राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल हमीदिया, हर दिन यहाँ हजारों मरीजों का फ्री इलाज होता है। कई मरीज यहाँ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खून की जरूरत होती है। कुछ को फ्री तो कुछ को रियायती दर पर यहाँ खून दिए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए बकायदा एक ब्लड बैंक बना हुआ है, लेकिन इस पर अब दलालों का कब्जा हो गया है। इनका गांठ जोड़ इतना मजबूत है कि कोई भी मरीज बिना इन्हें पैसे दिए बिना यहाँ से खून नहीं ले जा पाता। कैंसर पीड़ित मरीज के रिश्तेदार अशोक कुमार ब्लड लेने पहुंचे तो एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। एक उनसे कहता है कि कोई टेंशन नहीं, सरकारी काम है, हो जाएगा, लेकिन 2300 रुपए से कम नहीं लूंगा। अशोक उनसे कहते हैं कि थोड़ा तो कम करो तो जवाब मिलता है, नहीं भाई 1050 तो जांच की फीस लगती है, हम ही जानते हैं किसको देना है, आपको कुछ नहीं करना, बस पर्ची और पैसे दे दो, खून मिल जाएगा। अस्पताल के अंदर सैंपल लिए खड़े एक मरीज के रिश्तेदार को एजेंट कहता है वहां दो लोग बैठे उनसे बात कर लो। उनमें से एक युवक उन्हें गेट पर जाने को कहता है। कुछ देर बाद मुंह पर कपड़ा ढके एक व्यक्ति वहां पहुंचता है। रिश्तेदार घबराता है तो एजेंट कहता है अरे डरो नहीं, ये ब्लड बैंक वाला है, इसे 2500 रुपए दे दो, ब्लड मिल जाएगा। फोन पर एजेंट पर्ची और सैंपल लेकर आ जाओ, मेरा आदमी राजभवन के पास मिल जाएगा। रिपोर्टर वहां पहुंचकर उसे पर्ची और सैंपल देता है। एजेंट कहता है 2500 रुपए लगेंगे, रिपोर्टर यह पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। 50 मिनट बाद एक युवक ब्लड का एक पैकेट लेकर वहां पहुंचता है और कहता है कि ये ले लो, लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा। सरकारी अस्पताल में मरीज को बिना जांच शुल्क के खून मिलता है, सिर्फ डोनर चाहिए, 1050 रुपए फीस तय की है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। लोग खून की जरूरत पर एजेंट के झांसे में नहीं आए, सीधे ब्लड बैंक में संपर्क करें। ब्लड बैंक कर्मचारी यदि एजेंट से मिला है तो एक्शन लेंगे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.